देखो फिर से फ्लैट टायर यार, और यहाँ से दिखता है भाई पूरा धनखड़ विलेज। ये रहा लेक। हेलो आंटी, हाई फाइव। हेलो दी, हाई फाइव। कितने दुलारे में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, तीसरी बार हवा भरनी पड़ रही है। हेलो एवरीवन, सबको गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते एंड स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जगह अभी हम हैं धनखड़ में, कल शाम को हम धनखड़ पहुँच गए थे और काफ़ी ठंड है यार यहाँ पे। रात को टेम्परेचर -19 तक गया हुआ था और अभी भी -6 और 7 है अभी भी। तो आज का जो प्लान होने वाला है वो कुछ इस प्रकार है। आज हम जाएंगे काज़ा, लेकिन उससे पहले आज हम जा रहे हैं ऊपर धनखड़ लेक है, यहाँ से 2 किलोमीटर का ट्रैक जाता है, वो कवर करेंगे। फिर वहाँ पे है धनखड़ मोनेस्ट्री, उस पर आपको लेके चलेंगे। और जो हमने रूम लिया है वो भी हमने मोनेस्ट्री के अंदर ही लिया है, जो नई मोनेस्ट्री बनी हुई है हमने वहाँ पर रूम ले लिया। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। ये हमारा सारा रूम है, थोड़ा फैला हुआ है। तो अभी पीनट बटर और बादाम खाते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं ट्रैक करने। ट्रैक करने के बाद आके ब्रेकफास्ट करेंगे या फिर हल्का सा लाइक क्रंच हो जाएगा। फिर चलेंगे मोनेस्ट्री और फिर उसके बाद निकलेंगे काज़ा की तरफ। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। रेडी होके चल रही है और रेडी होके जैसे हम आए हमने क्या देखा, ये देखो फिर से फ्लैट टायर यार। अब पता नहीं पंचर हुआ है क्या दिक्कत है, पहले जाके लेक देखेंगे फिर उसके बाद आके देखते हैं क्या दिक्कत हो खेत दुलारी में। धूप बहुत तेज है लेकिन ठंड भी बहुत ज्यादा है, बर्फ जमी हुई है। इट्स -8 राइट नाउ। तो चलते हैं आगे, मिलते हैं आपसे। तो वो वाला द्वार क्रॉस करने के बाद भाई ये रास्ता आता है और यहाँ से आगे की तरफ जाता है लेक के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, लेक यहाँ से पड़ता है 2 किलोमीटर, पूरा स्टीप ट्रैक है तो प्रिपेयर होके चलो, खा पी के चलो, बिकॉज रास्ते में काफ़ी भूख लगती है। और इसके अलावा मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये है, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, एक बार पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ से दिखता है भाई पूरा धनखड़ विलेज, देखिए कितना सुंदर है। नीचे स्पीति रिवर है ना, माइंड ब्लोइंग। वहाँ के पहाड़ देखो ऐसे ऐसे है, बीच में वहाँ पे मोनेस्ट्री उधर बना रखी पुरानी वाली, यहाँ बर्फीले पहाड़, और वो वाले पहाड़ कुछ अलग ही है। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी यार। ऐसे यहाँ पे मार्किंग भी लगा रखी है लेक के लिए। अभी हमने लगभग 300 मीटर ही कवर किया है, काफ़ी रास्ता रहता है, मतलब अलग अलग रास्ते बना रखे हैं। अगर किसी को छोटा मोटा रास्ता कट के जाना है या किसी को शॉर्टकट जाना है तो ले सकता है। यहाँ से दोनों रास्ते कटते हैं, जहाँ से एक तो मैं आ रहा हूँ और एक यहाँ से जा रहा है। ये वाला काफ़ी स्टीप है, वो थोड़ा डिसेंट सही है, मर्जी है वैसा भी यूज़ कर सकते हैं। पूरी स्टीप टेरेन है, आगे भी ऐसे ही है भाई पूरा रास्ता, आपको पगडंडी फॉलो करनी पड़ती है। और जहाँ पे हम थे धनखड़ मोनेस्ट्री, वहाँ से लगभग 150 से 200 मीटर और ऊपर आ चुके हैं। काफ़ी चढ़ने के बाद यार एक वाटर ब्रेक लिया है हमने, गर्म पानी ले लिया था। अब वो पहाड़ी दिख रही है ना, उसके पीछे लेके हार्डली 15 मिनट्स का रास्ता रह गया होगा, करते हैं जल्दी से। और पीछे सारी पहाड़ी क्रॉस करने के बाद आ जाता है भाई थोड़ा सा प्लेन रास्ता, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। ये देखो बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पर, हल्की हल्की पैचेस लगे हुए हैं, देखो सुंदर लग रहे हैं ना, पोल्का डॉट्स। यार फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं धनखड़ लेक पे। हम चले थे 9:40 पे, टाइम हो रहा है 10:25, तो लगभग 45 मिनट में हम पहुंच गए हैं। और ये है यार सारी लेक, अभी जमी हुई है, नहीं तो जब ये पिघल जाती है तो ब्लू कलर की दिखती है यार, क्योंकि आसमान की रिफ्लेक्शन आती है इसमें पूरी। आगे बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पे, वहाँ से पानी बह बह के आता है और जो वहाँ पे ईंट लगा रखी है, ये पत्थर लगा रखे हैं, वहाँ से स्टार्ट हो जाती है और ये पूरी लेक है। देखिए आप, और आगे एक गोम्पा है, गोम्पा के पास चलते हैं और फिर एक दो पिक्चर्स क्लिक करा के फिर चलते हैं नीचे। हवा काफ़ी चल रही है और काफ़ी कलरफुल, कितना सुंदर लगता है ना ये। इसको कहते हैं लुंगटक, जो ये झंडे। और वो देखो उधर, यहाँ से लेक थोड़ी बहुत वहाँ से पिघली हुई है। यहाँ से देखो, आपको दिखेगी कलरफुल। और ये यार सारा धनखर लेक। तो चल दिए यार वापस, टाइम हो गया है 11:10। पहुंचते हैं जल्दी नीचे, फिर दुलारी को करते हैं ठीक, फिर ब्रेकफास्ट करके चलते हैं यार। टाइम हो गया यार 11:30। नीचे आ गए मोनेस्ट्री में। ये है यहाँ पे, ये है न्यू मोनेस्ट्री यहाँ की। और ये यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर है। टाइम हो गया है 1:15 और हम निकल दिए हैं न्यू मोनेस्ट्री से, ओल्ड मोनेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। और दुलारी में हल्का सा यार, पता नहीं क्यों हवा इसकी निकली जा रही है बार बार। बॉल भी लीक नहीं हो रहा है, पंचर भी नहीं है, तो देखना पड़ेगा। तो पहुंच गए यार धनखर मोनेस्ट्री में। ये है धनखर मोनेस्ट्री के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो यहाँ से हम चल दिए हैं भाई अंदर। स्पीति रिवर, सारी नदी बह रही है वहाँ से और इसको कहते हैं लुंगटक। यहाँ से चलते हैं नीचे अंदर मोनेस्ट्री में। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो सीधा मिलते हैं आपको अंदर जाने के बाद। और हम हैं भाई अभी मोनेस्ट्री के अंदर। ये ऐसे छोटे छोटे गेट होते हैं यहाँ पे, ऊपर आपको पूरी मोनेस्ट्री दिख रही होगी। और हम यहाँ पे चलते हैं, आगे मिलते हैं। तो वो थी सारी यार धनखर मोनेस्ट्री। और हमने पकड़ लिया कच्चा रास्ता। ऊपर देखो कैसे कॉनिकल चीज़ें बनी हुई हैं। बाकी काज़ा यहाँ से जितना, अगर मैं मान के चलूँ तो 25 to 26 किलोमीटर है। टाइम लगभग हो गया है 140 या 150 के आसपास। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने में। अच्छा रास्ता पकड़ा मैंने, ये थोड़ा कम पड़ता है क्योंकि पीछे वाले जो हमने कल हेयर पिन कट्स करे थे, पहले हमें वो पार करने पड़ते, फिर हम हाईवे पे आते, फिर हम आगे निकल चलते। यहाँ से ये हमने एक सर्टेन हाइट गेन कर रखी है, तो आगे डाउन हिल लेवल के हम सीधा हाईवे पे आ जाएंगे। लगभग 5-6 किलोमीटर का गैप पड़ जाएगा अपने को, ये ठीक रहेगा। अभी तक सारा रास्ता ऑफ रोड ही चल रहा है यार। पिछले 15-20 मिनट से हम धीरे धीरे जा रहे हैं। पीछे वाले टायर पर ज़्यादा वजन, ज़्यादा लोड नहीं डालने दे रहे, चाहे डाउन हिल हो, लेकिन ब्रेक करके चलना पड़ रहा है। ये देखो आगे रास्ता ऐसे ही है भाई, सारा कच्चा कच्चा रास्ता है। ऑफ रोड ख़त्म होके अब थोड़ी पक्की रोड आई है। और कितना आरामदायक रास्ता रहेगा। नहीं, जितने भी एयरपिन कट्स हैं, ज़िगज़ैग मोड हैं, ये सारे आज अभी हम नीचे उतरेंगे, मेन हाईवे पे पकड़ेंगे। फिर हम मेहनत कम लगेगी, लेकिन कल बहुत मेहनत लगी थी यार। लेकिन हवा जाने नहीं देती यार, सामने से हवा आ रही है हमेशा। तो काजा रह गया है यहाँ से लगभग 17 से 18 किलोमीटर। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम आए हैं एक बहुत प्यारा वाटरफॉल देखने, आपको भी दिखाते हैं। ये है लिंगती वाटरफॉल, ये देखिए, है ना कितना सुंदर। सर्दी में पूरा जम जाता है ये यहाँ पे जा रहा है। वाटरफॉल देख के मैं ऊपर ही आ रहा था कि यहाँ से मुझे मिले हैं बांग्लादेश से कुछ मेरे फ्रेंड्स। हेलो सर, दिव्यांक, साइद, हेलो सर, रसेल, हेलो सर, अलामीन, हेलो सर, दिव्यांक, शोएब। कैसे सर आप सारे? ऑल गुड, ऑल गुड। और यहाँ पे भैया बैठे हैं, हेलो भैया, कैसे हो? और जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है कौनस, अरे पिन वैली के हैं भाई। ये पिन वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो पिन जैसी शेप्स होती है इनकी। और ये है स्पिति रिवर व्यू पॉइंट, वहाँ नदी के पास जाके भी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और जो यहाँ से ये ब्रिज आया है आप देख सकते हैं, यहाँ से निकलता है भाई लेफ़्ट साइड को पिन वैली नेशनल पार्क के लिए पूरा रास्ता। और मुद विलेज भी यहीं पे पड़ता है, बट ये हमारे रूट में नहीं है तो इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। इन केस अगर काजा बंद होता है, मतलब कुंजुम पास अगर बंद होता है, तो मे भी हम ट्राई करें पिन वैली का, बट अभी तक कोई प्लान नहीं है। काजा यहाँ से रह जाता है 16 किलोमीटर्स। हेलो आंटी, हाई फाइव। हेलो दीदी, हाई फाइव। कैसे हो? ठीक ठाक। 1 महीना 4 दिन हो गया। हाँ जी। आज सुबह कहाँ से? आज धनखड़ से। हेलो भैया, दिव्यांक, आपका नाम? नितेश कुमार। आप कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली से। हेलो भैया, दिव्यांक, शुभम। आप फरीदाबाद से? आप कहाँ से? अच्छा, सेक्टर 19 से। हेलो मैम, दिव्यांक, निशु। आप फरीदाबाद से? हेलो भाई, दिव्यांक दिल्ली से। और आखिरी भाई आपका के पीछे गेट खुला रह गया है गाड़ी भाई। अच्छा खुला। हैंडस्केप देखो यार पूरा कैसे चेंज हो गया है। काजा से हम जस्ट 10 किलोमीटर पहले ही रुके थे यार, और मुझे यहाँ पे दिखे ये बहुत सुंदर मड हाउसेस, बहुत ही सुंदर और अमेजिंग लग रहा है यार। और सारा मिट्टी से बनाया हुआ है मुझे जितना लग रहा है, या फिर मिट्टी से लिपाई की गई हुई है। लेकिन वही है, इसको इसमें रहने में अलग ही मज़ा आएगा। सागो विलेज पहुँच गए हैं, और यहाँ देखो साइड में है ना मस्त। देखो अभी भी यहाँ पे आग से खेत जोते जा रहे हैं। ये देखो, ये भी इंजॉय करो ये एरिया, बीच का दोनों साइड सूखे सूखे पेड़। आ गए हैं यार सागो विलेज में। काजा यहाँ से रह जाता है 6 या 7 किलोमीटर, पहुंचने वाले हैं। ये है भाई सारा सागो विलेज, और वहाँ पे ट्रैक्टर चलता हुआ। ये बहुत चलती है यहाँ पे, ये और एक ऑल्टो। देखो आगे ऑल्टो ही गई है, मुझे तो पता भी नहीं था। हेलो भैया, ये देखो यहाँ पे पानी जा रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये आग खड़ी है अंदर, झूले भैया झूले। यार अपनी दुलारी में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, तीसरी बार हवा भरनी पड़ रही है। देखना टायर दब रहा है, पंचर है नहीं, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो यार वेलकम है काजा में, सामने जो दिख रहा है सारा काजा है। टाइम हो गया है 4:40। हेलो भैया। और ये है भाई यहाँ पे काजा का बस स्टैंड, और ये काफ़ी शॉप्स वॉप्स हैं यहाँ पे, तो किसी को कोई चीज़ें चाहिए तो दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे मिल जाएंगी। बाकी हम अपना, चिड़िया गई कितनी सारी उड़ती हैं। हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं अपना रहने का ठिकाना, तो ढूंढते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने होम स्टे ले लिया है, जो कि है धूमकर होमस्टे, पुलिस स्टेशन के पास है काजा के। और बाकी आज का वीडियो मैं यहीं एंड करना चाहूँगा। अभी डिनर विनर करूँगा आराम से। कल का क्या प्लान होने वाला है ये मैं कल अभी रात को बैठ के डिसाइड करूँगा आराम से। तो आई होप ये वीडियो आज आपको अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक करके जाना, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।